शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 20। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 20। फिर दाऊद रामा के नबायोत से भागा और योनातन के पास जाकर कहने लगा, मैंने क्या किया है? मुझसे क्या पाप हुआ? मैंने तेरे पिता की दृष्टि में ऐसा कौन सा अपराध किया है कि वह मेरे प्राण की खोज में रहता है? उसने उससे कहा, ऐसी बात नहीं है, तू मारा न जाएगा। सुन, मेरा पिता तुझको बिना जताए न तो कोई बड़ा काम करता है और न कोई छोटा, फिर वह ऐसी बात क्यों मुझसे छिपाएगा? ऐसी कोई बात नहीं है। फिर दाऊद ने शपथ खाकर कहा, तेरा पिता निश्चय जानता है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है, और वह सोचता होगा कि योनातन इस बात को जानने न पाए, ऐसा न हो कि वह खेदित हो जाए। परंतु यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे ही जीवन की शपथ, निसंदेह मेरे और मृत्यु के बीच डगी भर का अंतर है। योनातन ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरा जी चाहे वही मैं तेरे लिए करूंगा। दाऊद ने योनातन से कहा, सुन, कल नया चांद होगा और मुझे उचित है कि राजा के साथ बैठकर भोजन करूं, परंतु तू मुझे विदा कर और मैं परसों सांझ तक मैदान में छिपा रहूंगा। यदि तेरा पिता मेरी कुछ चिंता करे तो कहना कि दाऊद ने अपने नगर बैतलहम को शीघ्र जाने के लिए मुझसे विनती करके छुट्टी मांगी है, क्योंकि वहां उसके समस्त कुल के लिए वार्षिक यज्ञ है। यदि वह यो कहे कि अच्छा, तब तो तेरे दास के लिए कुशल होगा, परंतु यदि उसका क्रोध बहुत भड़क उठे तो जान लेना कि उसने बुराई ठानी है, और तू अपने दास से कृपा का व्यवहार करना, क्योंकि तूने यहोवा की शपथ खिलाकर अपने दास को अपने साथ वाचा बंधाई है। परंतु यदि मुझसे कुछ अपराध हुआ हो तो तू आप मुझे मार डाल, तू मुझे अपने पिता के पास क्यों पहुंचाए? योनातन ने कहा, ऐसी बात कभी न होगी। यदि मैं निश्चय जानता कि मेरे पिता ने तुझसे बुराई करनी ठानी है तो क्या मैं तुझको न बताता? दाऊद ने योनातन से कहा, यदि तेरा पिता तुझको कठोर उत्तर दे तो कौन मुझे बताएगा? योनातन ने दाऊद से कहा, चल हम मैदान को निकल जाए, और वे दोनों मैदान की ओर चले गए। तब योनातन दाऊद से कहने लगा, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की शपथ, जब मैं कल व परसों इसी समय अपने पिता का भेद पाऊं, तब यदि दाऊद की भलाई देखो तो क्या मैं उसी समय तेरे पास दूध भेजकर तुझे न बताऊंगा? यदि मेरे पिता का मन तेरी बुराई करने का हो और मैं तुझ पर यह प्रकट करने तुझे विदा न करूं कि तू कुशल के साथ चला जाए, तो यहोवा योनातन से ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे, और यहोवा तेरे साथ वैसा ही रहे जैसा वह मेरे पिता के साथ रहा, और न केवल जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मुझ पर यहोवा किसी कृपा ऐसा करना कि मैं न मरूं, परंतु मेरे घराने पर से भी अपनी कृपा दृष्टि कभी न हटाना। वरन जब यहोवा दाऊद के हरेक शत्रु को पृथ्वी पर से नाश कर चुकेगा तब भी ऐसा न करना। इस प्रकार योनातन ने दाऊद के घराने से यह कहकर वाचा बंधाई कि यहोवा दाऊद के शत्रुओं से पलटा ले, और योनातन दाऊद से प्रेम रखता था और उसने उसको फिर शपथ खिलाई, क्योंकि वह उससे अपने प्राण के बराबर प्रेम रखता था। तब योनातन ने उससे कहा, कल नया चांद होगा और तेरी चिंता की जाएगी, क्योंकि तेरी कुर्सी खाली रहेगी, और तू तीन दिन के बीतने पर तुरंत आना और उस स्थान पर जाकर जहां तू उस काम के दिन छिपा था, अर्थात एजेल नाम पत्थर के पास रहना। जब मैं अपनी अलंग मानो अपने किसी ठहराए हुए चिन्ह पर तीन तीर चलाऊंगा, फिर मैं अपने टहलुए छोकरे को यह कहकर भेजूंगा कि जाकर तीरों को ढूंढ लिया। यदि मैं उस छोकरे से साफ साफ कहूं कि देख, तीर इधर तेरी इस अलंग पर है, तो तू उसे ले आ, क्योंकि यहोवा के जीवन की शपथ, तेरे लिए कुशल को छोड़ और कुछ न होगा। परंतु यदि मैं छोकरे से यो कहूं कि सुन,
तीर उधर तेरे उस अलंग पर है तो तू चला जाना, क्योंकि यहोवा ने तुझे विदा किया है और उस बात के विषय जिसकी चर्चा मैंने और तूने आपस में की है, यहोवा मेरे और तेरे मध्य में सदा रहे। इसलिए दाऊद मैदान में जा छिपा और जब नया चांद हुआ तब राजा भोजन करने को बैठा। राजा तो पहले की नाई अपने उस आसन पर बैठा जो भीत के पास था और योनातन खड़ा हुआ और अब्नेर शाऊल के निकट बैठा, परंतु दाऊद का स्थान खाली रहा। उस दिन तो शाऊल यह सोचकर चुप रहा कि इसका कोई न कोई कारण होगा, वह अशुद्ध होगा कि निसंदेह शुद्ध न होगा। फिर नए चांद के दूसरे दिन को दाऊद का स्थान खाली रहा और शाऊल ने अपने पुत्र योनातन से पूछा, क्या कारण है कि ईशे का पुत्र न तो कल भोजन पर आया था और न आज ही आया है। योनातन ने शाऊल से कहा, दाऊद ने बेथलहम जाने के लिए मुझसे विनती करके छुट्टी मांगी और कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि उस नगर में हमारे कुल का यज्ञ है और मेरे भाई ने मुझको वहां उपस्थित होने की आज्ञा दी है, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे जाने दे कि मैं अपने भाइयों से भेंट कराऊं। इसी कारण वह राजा की मेज पर नहीं आया। तब शाऊल का कोप योनातन पर भड़क उठा और उसने उससे कहा, हे कुटिला राजद्रोही के पुत्र, क्या मैं नहीं जानता कि तेरा मन तो ईशे के पुत्र पर लगा है? इसी से तेरी आशा का टूटना और तेरी माता का अनादर ही होगा, क्योंकि जब तक ईशे का पुत्र भूमि पर जीवित रहेगा तब तक न तो तू और न तेरा राज्य स्थिर रहेगा। इसलिए अभी जाकर उसे मेरे पास ला, क्योंकि निश्चय वह मार डाला जाएगा। योनातन ने अपने पिता शाऊल को उत्तर देकर उससे कहा, वह क्यों मारा जाए, उसने क्या किया है? तब शाऊल ने उसको मारने के लिए उस पर भाला चलाया। इससे योनातन ने जान लिया कि मेरे पिता ने दाऊद को मार डालना ठाना है। तब योनातन क्रोध से जलता हुआ मेज पर से उठ गया और महीने के दूसरे दिन को भोजन न किया, क्योंकि वह बहुत खेदित था इसलिए कि उसके पिता ने दाऊद का अनादर किया था। बिहान को योनातन एक छोटा लड़का संग लिए हुए मैदान में दाऊद के साथ ठहराए हुए स्थान को गया। तब उसने अपने छोकरे से कहा, दौड़कर जो जो तीर मैं चलाऊंगा उन्हें ढूंढ लिया। छोकरा दौड़ता ही था कि उसने एक तीर उसके परे चलाया। जब छोकरा योनातन के चलाए तीर के स्थान पर पहुंचा तब योनातन ने उसके पीछे से पुकार के कहा, तीर तो तेरी परली ओर है। फिर योनातन ने छोकरे के पीछे से पुकार के कहा, बड़ी फुर्ती कर, ठहर मत। और योनातन का छोकरा तीरों को बटोर के अपने स्वामी के पास ले आया। इसका भेद छोकरा तो कुछ न जानता था, केवल योनातन और दाऊद उस बात को जानते थे। और योनातन ने अपने हथियार अपने छोकरे को देकर कहा, जा इन्हें नगर को पहुंचा। जो ही छोकरा चला गया त्यों ही दाऊद दक्षिण दिशा की अलंग से निकला और भूमि पर औंधे मुंह गिर के तीन बार दंडवत की। तब उन्होंने एक दूसरे को चूमा और एक दूसरे के साथ रोए, परंतु दाऊद का रोना अधिक था। तब योनातन ने दाऊद से कहा, कुशल से चला जा, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे से यह कहके यहोवा के नाम की शपथ खाई है कि यहोवा मेरे और तेरे मध्य और मेरे और तेरे वंश के मध्य में सदा रहे। तब वह उठकर चला गया और योनातन नगर में गया।